देख सकते हैं आपके तकरीबन 300-350 रुपए का फर्क है इन दोनों ट्रेन में, जबकि स्टॉपेजेस जो है वो तेजगाम के ज्यादा है, अलामा इकबाल एक्सप्रेस से कम है, और हमारी ट्रेन जो है पूरे 2:55 पर मूव होना शुरू हो चुकी है। GMU 15-4818 शंटिंग के फरायद अंजाम देते हुए बच्चे भाग रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं 11 पकड़ने के लिए, चलती ट्रेन से उतरे और चलती ट्रेन में चढ़ेंगे। अब मुझे लग रहा है कि उठा लेनी चाहिए, चाहे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है और एक डाउन कंटेनर ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ से जो है मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसका काम आप देख सकते हैं काफी तेजी से चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त घोड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, रात के तकरीबन 1:40 हो रहे हैं और ये जो मेरे बराबर में ट्रेन आकर रुकी है बिल्कुल मेरे पीछे, ये है सियालकोट कराची के दरमियान चलने वाली 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस, जबकि आज की जो मेरी ट्रेन है वो है रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस। तो ये कुछ वाइब है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन की रात के 2 बजे। दोस्तों रोड़ी से कराची जाने के लिए रात में 2 ऑप्शन थे, पहला तो था खैबर मेल का जो कि जा चुकी है तकरीबन 10 बजे, उसके बाद था ऑप्शन अलामा इकबाल एक्सप्रेस का जो कि ये खड़ी हुई है मेरे बराबर में अभी अभी आई है, और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन था 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस का। तो सीन कुछ ये है कि 2 डाउन में मुझे जाना नहीं था क्योंकि उसमें काफ़ी ट्रैवल कर चुका हूँ। 10 डाउन का सीन कुछ ये है कि 10 डाउन में मुझे बर्थ नहीं मिली, वरना AG30 के साथ सफ़र करते, और इसके अलावा 8 डाउन में जो थी वो मुझे ईजिली बर्थ मिल गई थी रोड से लेकर कराची तक, तो इसीलिए 8 डाउन आज हमने चुनी अपने सफ़र के लिए। दूसरा, जब से 8 डाउन फ्लट के बाद से जब से ट्रेन रिज्यूम हुई है तो हमने उसमें ट्रैवल भी नहीं किया था, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उसका भी एक जर्नी कर लें। तो इस वक्त नींद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, मेरी हालत से देखकर आप लोगों को लग रहा होगा। सुबह के हम लोग उठे हुए हैं, ट्रिप पर गए हुए थे, जैकोबाद से हम लोग आ रहे हैं, जैकोबाद से आए रोड़ी तक सक्कर एक्सप्रेस में, तकरीबन 4-4.5 घंटे से हम लोग रोड़ी स्टेशन पर ही बैठे हुए हैं और अब हम जाएंगे रोड़ी से कराची अपने घर। तो इंतजार है 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस का। तो ये 10 डाउन जो अलामा इकबाल एक्सप्रेस आई है इसमें आज मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AG 3602 आया है, देखकर मैं तो पिघल गया सीधी बात है, क्योंकि AG 30 मेरा फेवरेट लोकोमोटिव है और काश हमें इसमें बर्थ मिल जाती तो हम AG 30 के साथ अपना सफर इंजॉय करते, लेकिन बस जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 40 मिनट लेट चल रही है, और इसके अलावा जो लोकोमोटिव आज हमारी ट्रेन में वो लगा हुआ है लाहौर शटकर ZCU 3602, जो कि ट्रेन में लाहौर रेलवे स्टेशन से लगाया गया है और वही ट्रेन को कराची तक लेकर जाएगा। तो इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, हल्के का धुआं भी निकल रहा है लेकिन मैंने अभी नोट किया है। तो ये कुछ आवाज़ है AG 3602 की और AG 30 की, जिस पर मैं स्पेशली पिघल जाता हूँ। तो दोस्तों एक बात और बताता चलूँ कि ये जो अलामा इकबाल एक्सप्रेस खड़ी हुई है मेरे बराबर में, इसका रोड़ी से लेकर कराची तक का बर्थ के साथ किराया है 1000 रुपये का, यानी कि 1000 रुपये का किराया है बर्थ के साथ, और सीट के साथ है 950 रुपये। लेकिन जो 8 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस है उसका रोड़ी से लेकर कराची तक का किराया है 1350 रुपये बर्थ के साथ, और सीट के साथ है 1300 रुपये। तो ये देख सकते हैं आप तकरीबन 300-350 रुपये का फ़र्क है इन दोनों ट्रेन में, जबकि स्टॉपेजेस जो है वो तेजगाम के ज़्यादा है, अलामा इकबाल एक्सप्रेस से कम है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो तेजगाम एक्सप्रेस को दी जाती है अलामा इकबाल की बनस्बत। हालांकि प्रायोरिटी जो है वो स्टॉप बेस्ड होती है, लेकिन जो ओवरऑल स्टॉप्स हैं अलामा इकबाल के और तेजगाम के लाहौर से लेकर कराची तक, वो तेजगाम के कम है अलामा इकबाल के ज़्यादा है, लेकिन रोड़ी से लेकर कराची तक जो है वो अलामा इकबाल के स्टॉपेज कम हैं तेजगाम के ज़्यादा हैं, मगर फिर भी तेजगाम का किराया जो है वो अलामा इकबाल से ज़्यादा है रोड़ी से लेकर कराची तक का, और अलामा इकबाल का कम है तकरीबन 300-350 रुपये का फ़र्क है। खैर फ़र्क ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी फर्क तो है।
दोस्तों हमें लग रहा था कि हमारी ट्रेन और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोनों एक साथ यहाँ पे खड़ी होंगी और फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल जाएगी, लेकिन अल्लामा इकबाल जो है वो पहले ही जा रही है। AG 36012 ट्रेन को ले जा रहा है कराची तक, और ये भी ट्रेन में लाहौर से ही लगाया गया है, जबकि इसके बराबर में जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर पार्क बिजनेस एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 9 अप और 33 अप, वो दोनों प्लेस थी कि जिसमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस से पहले आई थी, लेकिन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोड स्टेशन पर ही ओवरटेक कर दिया है पार्क बिजनेस एक्सप्रेस ने और वो पहले जा चुकी है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 9 अप अभी खड़ी हुई है। चलो शुक्र है इस ट्रेन पर नाम तो लिखा हुआ है कम से कम। तो दोस्तों रात में स्पेशली जो है रोड़ी जंक्शन काफी मसरूफ रहता है और अभी 33 अप गई है और उसके पीछे पीछे 15 अप कराची एक्सप्रेस आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। इसी के साथ ही हमारी आज की 8 डाउन आ रही है बिल्कुल हमारे सामने से ZCU 36302 के साथ। तो ये ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के। वाइट लाइट्स अलग ही दिख रही हैं ZCU 30 की, जो कि इसे यूनिक बनाती हैं ZCU 20 और 30 को, लेकिन ज़्यादातर ZCUs में जो लाइट्स हैं वो अब चेंज कर दी जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब से वाइट से येलो लाइट्स पर आ गए हैं ज़्यादातर ZCU 30 और ZCU 20 दोनों ही। बहुत कम ZCU ऐसे बचे हैं जिनमें वाइट लाइट्स लगी हुई हैं और 6302 उनमें से एक है कि जिसकी वाइट लाइट्स जो हैं वो अभी तक बची हुई हैं। चारों वाइट लाइट्स लगी ऊपर। काफ़ी अच्छा कर्व लेकर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर एंट्री मार रही है। फूड वेंडर्स आना शुरू नारे लगाने के लिए। 6302 एक्स्ट्रा 1 का कोच नंबर 4 है आज हमारा, 2 कोच एक्स्ट्रा के, एक्स्ट्रा 2 कोच नंबर 1 एंड 4, ये रहा हमारा आज का कोच नंबर 4 जो कि बेसिकली एक CFI कोच है। और टैनिंग कार के बिल्कुल आगे वाला है। दोस्तों रात 2:25 पर ट्रेन हमारी आई है, तकरीबन 25 से 30 मिनट ट्रेन यहाँ पर होल्ड करेगी, पानी वगैरह भरा जाएगा, ट्रेन की चेकिंग होगी, ड्राइवर्स वगैरह चेंज होंगे, बाकी ट्रेन का क्रू भी चेंज होगा, उसके बाद ही ट्रेन डिपार्ट करेगी कराची के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव यानी कि ZCU 36302 के सामने। मैं सोचा जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि फिर सुबह तक इसका दीदार नहीं होना और हैदराबाद तक तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जब तक रोशनी नहीं हो जाती। तो ये चाइनीज लोकोमोटिव है, काफ़ी अच्छा लोकोमोटिव है पाकिस्तान रेलवेज का, लेकिन बहुत जल्दी इन लोकोमोटिव ने जो है वो
साथ छोड़ दिया था पाकिस्तान रेलवेज का आहिस्ता आहिस्ता करके, मगर अब दोबारा से चाइनीज जो है वो दोबारा इस पर वर्किंग कर रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं, और फिर एक एक करके ये चाइनीज लोकोमोटिव जो है ये दोबारा आ चुके हैं ट्रैक पर और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज को। तो दोस्तों जहां सब बातें आप लोगों से रोडी स्टेशन पर ही कर दी, वहां एक बात और कर लेते हैं और वो है ट्रेन स्टॉपेजेस की। तो रोडी से चलने के बाद कराची तक ट्रेन रास्ते में तकरीबन 6 जगह पर स्टॉप करेगी, जिसमें रोडी से चलने के बाद ट्रेन सबसे पहले स्टॉप करेगी खैरपुर रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद मेहराबपुर, फिर नवाबशाह, फिर शहदादपुर, फिर टंडो आदम, फिर उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद के बाद ट्रेन डायरेक्ट स्टॉप करेगी लांडी जंक्शन पर और लांडी के बाद डिगरोड पर, जो कि आज की हमारी मंजिल है, और फिर उसके बाद ट्रेन अपने नेक्स्ट स्टॉप यानी कि जो ट्रेन का डेस्टिनेशन है बेसिकली यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन, वहां के लिए निकल जाएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोच, कोच नंबर 4 बिल्कुल सामने वाला, लेकिन इस कोच के अंदर के हालात कुछ ये हैं कि बहुत ज़्यादा रश है आज इस ट्रेन में। तो शुक्र है कि हमने बर्थ पहले ही करवा ली थी, और सिर्फ इस कोच में ही नहीं बल्कि पूरी ट्रेन में जो है बहुत ज़्यादा रश है। सिर्फ ट्रेन सीट बाय सीट ही फुल नहीं बल्कि डोर बाय डोर भी फुल है, और डोर बाय डोर के अलावा पैसेज बाय पैसेज भी फुल है, यानी कि जो सिंगल सीट के दरमियान का जो रास्ता होता है वहाँ भी बच्चे बड़े जो है वो चादरें बिछा कर सो रहे हैं। जो हमारा केबिन है उसमें सिर्फ 2 बर्थें हैं हमारी, बाकी इसके अलावा जो 4 बर्थें हैं उनके साथ काफ़ी सारे बच्चे हैं, और उन्होंने अपने बच्चे जो है सारे वो नीचे सुलाए हुए हैं, यानी कि जहाँ पे आप पैर रखते हैं वहाँ पे उन्होंने बच्चे सुलाए हुए हैं। तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह अंदर से जाके कवरेज होगी और ये सफ़र कैसे कटेगा तेजगाम एक्सप्रेस का। खैर क्या करें, लिमिटेड ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, ट्रेनें बहुत कम हैं, तो इसलिए मुसाफिर भी परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं, टिकट्स वगैरह मिल नहीं रही। तो अभी तक का प्लान ये है कि डिपार्चर कैप्चर करते ही रोड़ी जंक्शन से हम लोग सो जाएंगे। इसकी वजह यह है सर्दी जो है वो अभी हो रही है, अच्छी खासी सर्दी हो रही है, और जैसे ही ट्रेन यहाँ से चलेगी खेतों में चलेगी तो सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर हमने खिड़की या दरवाज़ा खोला वीडियो बनाने के लिए तो मुसाफिर हजरात जो है वो तो फिर मुझे या तो चलती ट्रेन से धक्का दे देंगे या फिर मुझे बाथरूम में बंद कर देंगे। तो ये 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले जब कराची एक्सप्रेस में गया था उस वक्त हालांकि इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की खोली थी तो उन्होंने मुझे घूरना शुरू कर दिया था, और घूर भी ऐसे रहते थे कि भाई बस पता नहीं क्या कर दिया मैंने ऐसा। खैर दूसरा, हम लोग आज थके हुए भी हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सुबह से हम लोग जैकबाबाद में थे और 4 घंटे से हम लोग इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली ट्रेन आ गई है, तो इसलिए अब हमारा सोने का प्लान है। सुबह इंशाल्लाह सुबह के नज़ारे आपको दिखाएंगे 8 टाउन तेजगाम एक्सप्रेस की खिड़की से। रात में वैसे भी अभी हमें कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है कि हमारा कैमरा जो है वो उसे कैप्चर नहीं कर पाता। बाकायदा कैमरे पर लिखा हुआ आता है कि इतनी ज़्यादा लाइटिंग जो है मैं कैप्चर नहीं कर सकता, तो समझने वाले समझ गए होंगे। खैर तो दोस्तों ये देखें आप कि ये कोच खड़ा हुआ है, और इसके पीछे जो चलती हुई ट्रेन आपको दिखाई दे रही है वो है 15 अप कराची एक्सप्रेस, जो कि रोड़ी जंक्शन से निकल रही है, और ये वही 15 अप कराची एक्सप्रेस है जो कि हमारी ट्रेन से पहले यहाँ पर आई थी। और उसके पीछे भी आपको एक ट्रेन दिखाई दे रही होगी खड़ी हुई, और वो है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। और उसकी वजह यह है कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोक कर पहले पार्क बिजनेस एक्सप्रेस को निकाला गया, उसके बाद जो है फिर अब कराची एक्सप्रेस को इससे आगे निकाला जा रहा है। तो जब ये सब कुछ करना ही था तो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का टाइम क्यों चेंज किया गया? अच्छा खासा वो ट्रेन 2 बजे चलती थी, आराम से अपना सफ़र जारी रखती थी, लेकिन उसका टाइम चेंज करके मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेलवे ने क्या किया है। अब ये ट्रेन रोज़ इसी तरह जो है पहले पार्क बिजनेस एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करती है, फिर कराची एक्सप्रेस इसको ओवरटेक करती है। देख सकते हैं आपके पीछे जो है वो कोचेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारी ट्रेन का विसल था ZCU-30-6302 का, काफ़ी पावरफुल विसल है, और हमारी ट्रेन जो है पूरे 2:55 पर मूव होना शुरू हो चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो चलें अपने कोच में चलते हैं। तो अब ट्रेन का यहाँ से चलने के बाद अगला स्टॉप होने वाला है खैरपुर रेलवे स्टेशन, लेकिन देखना यह है कि हम उठे हुए होंगे उस वक्त तक या नहीं। कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, हमारी ट्रेन यहाँ से निकल रही है।
और ये जेड सी आगे बढ़ रहा है अपनी ट्रेन को लेकर, यानी कि एट टाउन को लेकर। स्टेशन को ट्रेन ने छोड़ दिया है और ऐसे ऐसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, रोड़ी के पहाड़ों से गुजर रही है। अंधेरा काफ़ी है बाहर इस वक्त, लेकिन जेड सी की लाइट्स जो है वो काफ़ी ब्राइट है। तो कोशिश की थी हमने कि आगे कोचेज में हमें सीट मिल जाए, लेकिन कोई भी खाली नहीं थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारा सोने का प्लान है, तो बिल्कुल अब हम सो रहे हैं। बाहर सर्दी भी काफ़ी हो रही है और अंधेरा भी काफ़ी है, तो इंशाल्लाह आपसे अब सुबह मुलाकात करते हैं। केला पैकेट 20 रुपए में, केले वाला अप्रोच कर रही है अल्लाह निशान रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर जो है हम एक ओवरटेक भी करने वाले हैं ट्रेन को, जो कि सब ब्लू प्लान पर रुकी हुई है। बगैर खड़ी हुई है ट्रेन दो, तो दोस्तों टाइम हुआ है इस वक्त 8:40 और ट्रेन जो है वो हमारी पहुंचने वाली है हैदराबाद से पहले डीथा रेलवे स्टेशन पर। और बीबोकास वाली लाइन जो है, हैदराबाद बीबोकास वाली ब्रांच लाइन, ये हमारे बराबर में आ चुकी है इस वक्त। तीस किलोमीटर मोशन है यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया है।
तो ये रहा। तीसरा रेलवे स्टेशन में सिग्नल नहीं दिया गया हमारी ट्रेन को, और ट्रेन जरूर यहाँ पर होल्ड करेगी क्योंकि शायद हैदराबाद जंक्शन के जो है वो प्लेटफॉर्म क्लियर नहीं है। पीएसएल का ट्रक ट्रेन के साथ पैदल चलते हुए ट्रैक पर अजर के सुखाई जा रही है। हैदराबाद ईस्ट केबिन मई 1948 में बनाया गया है, और ट्रेन जो है हमारी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है जो कि हैदराबाद जंक्शन का मेन प्लेटफॉर्म है। तो ये रहा हैदराबाद जंक्शन, ठीक ट्रेन 9:05 पर पहुंची है। ट्रेन का तकरीबन 5 मिनट का हॉल्ट है हैदराबाद जंक्शन पर, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे अपने अगले स्टॉप लांडी जंक्शन के लिए। तो ये थोड़ी देर पहले अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी यहाँ से गई है, तो ब्रिज से जो सवारियाँ उतर रही हैं वो सारी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की हैं, 10 और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की, जो कि हमें मिली थी रोड़ी जंक्शन पर 6012 के साथ। दोस्तों हमारी सीट तो कोच नंबर 4 में है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं एक्स्ट्रा कोच नंबर एक्स्ट्रा 2 की तरफ, क्योंकि वो जो है वो लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे लगा हुआ है, तो अगर वहां पर हमें जगह मिल जाती है तो आगे का सफर जो है हम फिर करेंगे लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे, ताकि ZCU के साथ सफर एंजॉय करना थोड़ा बहुत, क्योंकि हैदराबाद तक अमूमन ट्रेन जो है वो खाली हो जाती है, तो उम्मीद है कि हमें इंजन के पीछे वाले कोच में जगह मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव ZCU-26302, नज़र आप इसे दिन की रोशनी में भी देख लें, काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है पाकिस्तान रेलवेज का। तो लाहौर शेड के पास हैं लोकोमोटिव सारे, इस वक्त तक ट्रेन जो है हमारी वो तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो चुकी है, फिर इसमें 40 मिनट लेट तो ट्रेन पहले ही आई थी। तो ये एक फ्रेट कोच की शंडिंग हो रही है,
शंटिंग के बाद ट्रैक क्लियरेंस मिलते ही 5 मिनट बाद हमारी ट्रेन को यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। GMU 15-4818 शंटिंग के फरायद अंजाम देते हुए ज़ियांग कंपनी लिमिटेड मेड इन चाइना 2014 में इंपोर्ट किए गए थे पाकिस्तान रेलवे ने लोकोमोटिव ZCU-20 एंड ZCU-30 और जब से ये लोकोमोटिव अपने फरायद अंजाम दे रहे हैं। ट्रैक हमारी ट्रेन का बन चुका है, सिग्नल के इंतजार है और फिर ट्रेन मूव होना शुरू। तो ठीक 9:12 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग में से ले लिया है हैदराबाद से चलने के लिए और अब अपना सफर जो है वो करेंगे लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे। चाय हमने यहाँ पे नहीं पी है क्योंकि चाय बिल्कुल पानी होती है हैदराबाद की, 30-40 रुपए भी लगते हैं और चाय बिल्कुल ऐसी होती है जैसे गर्म पानी उबाल के दे दिया हो। खैर किसी की रोजी ऐसा बोलना तो चाहिए लेकिन बेचने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो मुसाफिरों को क्या चीज़ बेच रहे हैं। तो डाइनिंग कार से मंगवाएंगे चाय। सेकेंड डिपार्टिंग वेसल का इंतजार है। जहाज के साथ थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही है वीडियो बनाने में। पीछे ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक से सड़के प्लेटफॉर्म 1 की लाइन से डाउन लाइन पर आ रही है। ट्रेन जो है वो पहुंचने वाली है
कोटरी ब्रांच के ऊपर जो कि हैदराबाद और कोटरी के दरमियान मेन अट्रैक्शन है। ये कह रहे हैं ड्राइवर को कि बहुत आराम आराम से चला रहे हो, जहाज बना दो ट्रेन को। ड्राइवर साहब को धमकिया दे रहे हैं पुलिस से बैठ के। दिखाई दे रहा है वो है मेहरान ब्रिज, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो कोटरी ब्रिज से होती हुई जाएगी कोटरी जंक्शन तक। देख सकते हैं हम लोग कितनी हाइट पर आ चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि दरिया क्रॉस करना है हमारी ट्रेन में। और ये शेडो जेड सी होगा, सिग्नल नहीं दिया गया फिलहाल हमारी ट्रेन को, इसलिए ब्रिज से पहले जाकर रुके थे। वो सामने ब्रिज है और हम इंतज़ार में हैं सिग्नल के। तो यहाँ पर ट्रेन इसलिए रुकी है क्योंकि कोटरी जंक्शन पर जो है वो लाइन के लिए नहीं है, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस अभी तक वहीं पर है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जैसे ही वहाँ से निकलेगी फिर हमारी ट्रेन वहाँ पर पहुँचेगी। फाइनली 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन बनना शुरू हो गई है आगे। आहिस्ता आहिस्ता एंटर होंगे हम लोग कोटरी ब्रिज के ऊपर जो कि दरिया सिंह के ऊपर बना हुआ है। और इस दरिया को पहले जो है वो दरिया मेहरान भी कहा जाता था, और इसी वजह से वो सामने ब्रिज जो है मेहरान ब्रिज उसका नाम रखा गया। ट्रेन का दो अक्षर ही कुछ लगे हुए हैं, सिग्नल क्लियर है, लाइन क्लियर दी गई है हमें। के लिए 15 किलोमीटर का क्वेश्चन है, यार्ड लाइन स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे हम।
है वॉशिंग लाइन कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। मोहनजो दड़ो पैसेंजर ट्रेन का रेक यहाँ पर मौजूद है जो कि मेन लाइन टू की ट्रेन है, लेकिन फिलहाल सस्पेंडेड है। और मेन लाइन टू यहाँ से अलग होती है जिस वजह से कोटरी को जंक्शन का नाम दिया गया है, जो मेन लाइन वन यहाँ से जाती है साथ ही मेन लाइन टू भी यहाँ से निकलती है। और वो सामने जो आप ट्रैक देख रहे हैं, वो जो सिग्नल आप देख रहे हैं, वो मेन लाइन टू का है। साथ इसके बराबर में जो डबल सिग्नल आप देख रहे हैं, ये है लोको शेड के, कोटरी लोको शेड के। दो ट्रैक कोटरी लोको शेड जाते हैं और एक ट्रैक जो है वो मेन लाइन टू का है। सिग्नल अभी अभी अप हुआ है आपके सामने, ये सिग्नल जो है ये मेन लाइन टू के हैं। ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करती है ट्रेन, जबकि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो यहाँ रुक कर गई होगी। ये हजारा एक्सप्रेस निकल रही है बिल्कुल हमारे सामने से, 11 ऑफ हजारा एक्सप्रेस GU 49005 के साथ। ग्रीन लाइन के बिजनेस क्लास के दो कोचेस जा रहे हैं हजारा एक्सप्रेस में। ग्रीन लाइन लिखा हुआ है ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, कोचेस पर लिखा हुआ है। बच्चे भाग रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं 11 अप पकड़ने के लिए। चलती ट्रेन से उतरे और चलती ट्रेन में चढ़ेंगे। GU 40 और उससे आगे 9027 GU 40, दो GU 40 यहाँ पर मौजूद है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से स्किप कर रही है ट्रेन कोटरी जंक्शन को। एक HGM-30 भी खड़ा हुआ है सामने। और इसका नंबर है HGM-30 8202। तीन पावरफुल लोकोमोटिव्स यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं कोटरी जंक्शन पर, तो तीनों कराची शेड के हैं। तो ये ZCU-30 6302 लाहौर शेड का और ये कराची शेड का GM-30 8202, दोनों सेम सीरियल के लोकोमोटिव जो है, सेम नंबर के लोकोमोटिव अपनी सीरीज के पैदल खड़े हुए हैं। और सिर्फ इसी सीनों की कैप्चर करने के लिए मैं कोच छोड़कर आगे आया हूँ। और ट्रेन जो है वो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की वजह से यहाँ पर रुकी हुई है, जबकि तेजगाम का कोटरी जंक्शन पर स्टॉप नहीं है। अल्लामा इकबाल कुछ ही देर पहले गई है यहाँ से, तो तमाम मुसाफिर हजरात जो है वो उतर चुके हैं ट्रेन से, जितने भी लोग दरवाजों पर थे। तो आज आगे जो है दोनों 140 km/h वाले सीनार कोटर्स लगे हुए हैं तेजगाम के, X1 और X2 के। व्हील बोगी से पता लग जाता है कि 140 वाला या 160 वाला या 140 वाले कोचेस हैं, बाकी मेंशन भी होता है कोचेस पर। बाकी जो पीछे जो CFI के पीछे वाला CNR आपको दिखाई दे रहा है, ये 160 km/h वाला है। तो फाइनल सिग्नल हो गया है हमारा तकरीबन 7 मिनट रुकने के बाद। PL से लेकर जो है वो भाई चढ़ चुके हैं इंजन में और अब ट्रेन यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा हम पीछे आकर बैठ चुके हैं, जगह मिल गई हमें अलहमदिल्ला। सफ़र अपने से करेंगे कराची का ZCU-30 के पीछे। Thank you.
9:50 में ट्रेन निकली है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब देखना ये है कि ट्रेन बिगरोड जंक्शन पर कितनी देर में पहुंची है, तो मुझे लग रहा है तकरीबन 12:15 बजा देगी ट्रेन। कुछ स्पीड है ट्रेन की बैराम दूसरे क्रॉस करने के बाद, मीटिंग रेलवे स्टेशन आने वाला है कुछ देर में, और जेट सी जो है वो अपने फुल फ्लो में जा रहा है फिलहाल। व्हाइट कोचेस का क्या हाल हो चुका है जिस यार के, तो शाह अतीफ जो है वो जा चुकी है हमें छोड़ के यहाँ पर, और हम लोग जो है वो अभी तक मीटिंग रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं। तो चाय वाले भाई आ चुके हैं, अभी चाय लेते हैं, तैयार हो चाय पीने के लिए? सुबह की चाय नाश्ता भी नहीं किया हुआ, सुबह की चाय 10:15 मिल रही है। मीटिंग रेलवे स्टेशन पर आए हैं भाई, 142 किलोमीटर दूर रह गया है कराची, और ट्रेन हमारी रुकी हुई है अल्लामा इकबाल की वजह से। तो तमाम कोयले की कारें मौजूद हैं मीटिंग रेलवे स्टेशन के आसपास, और यहाँ से तकरीबन दिन रात कोयला निकाला जा रहा है जमीन से। चाय आ गई है मेरी का है। तो इस सुबह की चाय जो है वो आ चुकी है, और स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं आप 140 km/h वाले कोच की। जी सर, यार स्नैक्स है लेकिन मिर्चों वाले हैं सारे, आप चाय के साथ मिर्चों वाले खाने तो बताओ। और आग लगी, तो डंडी आपको साथ दी गई है, खुद ही हिला लें, और साथ ही टी बैग भी है उसे भी आप खुद ही हिला लें, मतलब टी बैग हिला लें। अब मुझे लग रहा है कि उठा लेनी चाहिए चाय, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, और अब ये CNR नहीं है बस 60 km/h वाला, थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और ये एक झटका लगेगा और चाय नीचे। तो ये कप जो है ये लिप्टन के हैं, जबकि पत्ती जो डली हुई है इसमें वो टपाल दानेदार, तो देख रहे हैं आप दोनों ब्रांड चल रहे हैं एक साथ।
कंटेनर ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम हो गया है हमारा, वैसे होता तो नाश्ते का टाइम है लेकिन नाश्ता हम घर जाकर करेंगे, तो जब तक घर नहीं आता तब तक हम स्नैक्स एंजॉय करते हैं। आ गया कासिम रेलवे स्टेशन की बात करें तो बिन कासिम जो है ये नाम जैसा कि आप लोग सब जानते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नाम से मंसूब है, और इस जगह का ये बिन कासिम नाम रखने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो पोर्ट कासिम बहुत ज़्यादा करीब है, और वहाँ के लिए जो स्पेशल रेलवे ट्रैक्स हैं वो सामने जो सिग्नल आप देख रहे हैं वहाँ से दो रेलवे ट्रैक्स जाते हैं कासिम पोर्ट में। तो ये फाइनली तकरीबन 7 मिनट रुकने के बाद यानी कि 11:35 पर ट्रेन डिपार्ट कर रही है। दोस्तों पूरे 11:50 पर ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि कराची में आने के बाद ट्रेन का पहला स्टॉप है। जो लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको सामान उठाकर, ये 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस के पैसेंजर्स हैं, और अब जो है यहाँ पे 8 डाउन तेजगांव एक्सप्रेस आ गई है, और तेजगांव एक्सप्रेस के जाने के फौरन बाद ही यहाँ पर आएगी 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस, जो कि आपको याद होगा कि रात में हमें रोहड़ी जंक्शन पर मिली थी कि जब हमारी ट्रेन निकल रही थी तो वो अप्रोच कर रही थी। तो तीनों ट्रेनें आगे पीछे चल रही हैं, और 18 डाउन मिलर एक्सप्रेस जो है वो अभी बिन कासिम रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और जुमागुड़ पर पहुंचने वाली है। तो लांडी स्टेशन में असलान भाई हमसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, कैसे भाई? सर बहुत शुक्रिया कि आप मिलने के लिए आए। बहुत शुक्रिया। माजरत की आप आए थे सक्कर एक्सप्रेस में जब मैं जा रहा था, लेकिन मैं सेकंड लास्ट कोच में था यार। तो कब से ट्रेनों का शौक? पाँच छह साल बचपन से आते जाते रहते ट्रेन में। जी बहुत सफर किया। AG30 यार, AG30 किया 6012 गया होगा अल्लामा इकबाल के साथ। बहुत शुक्रिया सर, चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। तो ठीक 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है। ओके भाई हाफिज। 2 मिनट उतने बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब अगला स्टॉप जो है वो डिगरोड जंक्शन होने वाला है, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो ये हालात है कुछ CNR कोच के, और अब तक कुछ ही देर में आने वाला है मलेर रिवर ब्रिज, तो वो दिखाते हैं अभी आपको।
से जो है मलीर एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसका काम आप देख सकते हैं काफी तेजी से चल रहा है, दिन रात काम हो रहा है इस पर। किलोमीटर का क्वेश्चन उसी को फॉलो करते हुए ट्रेन आगे बढ़ेगी। दोस्तों ठीक सवा 12 बजे ट्रेन अप्रोच कर रही है दिग्रो जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली हमारा जो है जर्नी है खत्म हो चुका है डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और अब ये ट्रेन जो है मजीद आगे जाएगी कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं। आपसे जल्दी बात हो जाने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।